नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। आज को प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बहुत ही खूबसूरत चार लाइनें हैं मेरे पास, तो सबसे पहले ज़रा उस पर गौर फरमाइए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और आज की लड़कियों के बारे में यही कहना चाहूँगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर लड़कियों ने अपनी छाप नहीं छोड़ा हो। और ऐसे ही एक क्षेत्र की आज मैं बात करूँगा जिसे हम लोग डीजेइंग कहते हैं। आम तौर पर आप लोगों ने हमेशा जो है मेल डीजेस को ही जो है प्ले करते हुए देखा होगा, लेकिन आज इस क्षेत्र में जो है लड़कियों ने एक बहुत अच्छा मुकाम जो है वो हासिल कर लिया है। थोड़ा मुश्किल रहा होगा उनके लिए, और इसीलिए आज एक नागपुर का बहुत ही जाना माना चेहरा, जो सिर्फ नागपुर ही नहीं पूरे देश में प्ले करता है और एक अच्छा मुकाम जो है उसने हासिल कर लिया, और हमारे साथ आज है डीजे पूजा। तो पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगा, कैसे आई इस क्षेत्र में, और थोड़ा मुश्किल रहा होगा आना यहाँ पर? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट ठीक है, कुछ अलग करना था। इंजीनियर डॉक्टर तो बहुत हो गए, मुझे था कि बस कुछ तो अलग करना है, और गुड सेंस ऑफ म्यूजिक ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। हार्ड वर्क, स्टार्टिंग में ऐसा था कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि नाइट लाइफ रहता है, अकेले जाना, ट्रैवल करना। ट्रैवल तो बहुत, मतलब अभी ट्रैवल करते हैं, पहले तो नागपुर से ही स्टार्ट किया, हाइड आउट से स्टार्ट किया मैंने। तो ऐसा था कि रात को जाना, प्रैक्टिस करना, सीखना, उसमें भी सब मेल्स होते हैं, और जो एटमॉस्फेयर होता है क्लब का, सब ड्रिंक विंक करते हैं, तो नॉर्मल फैमिली अलाउ नहीं करती है लड़कियों को, क्योंकि सेफ नहीं लगता उन्हें। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं, आप कर लोगे, एंड आपको ऐसा है कि कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है, आपका फोकस सिर्फ आपके गोल पर है कि कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, तो आप कर सकते हो। तो बस थोड़ा थोड़ा करते 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 आज आई एम हियर राइट नाउ। क्या बात है। मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से सीखे तुम, किससे सीखे, और दिमाग में आया था कभी कि नहीं करते जाना, तो छोड़ देते, नहीं हो पाएगा अपने? हाँ, जब एकदम मेंटल टॉर्चर जब हुआ, दैट मोमेंट आई वॉज लाइक कि नो, अब नहीं करना है, मैं घर पर ही बैठूंगी। बट फिर ऑल ऑफ सडन कि नहीं, यहाँ तक आ गए हैं, स्टेप अप कर लिया है, तो नहीं कर, जब तक कुछ नहीं हो जाते, जब तक एक अचीवमेंट नहीं मिल जाती, तब तक तो करना ही है। तो पहले गुरु कौन थे फिर तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हें डीजेइंग के बारे में बताया, म्यूजिक के बारे में बताया, जॉनर्स बताया, बीपीएम बताया होगा? ओके, मैं हाइड आउट गई थी वहाँ, फर्स्ट, यू नो, मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम क्लब गई थी, वो भी आफ्टरनून में, एंड मैंने जो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे भैया के साथ गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे भी करना है, तो कैसे क्या रहेगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कर लोगे। मैं उनसे बात करता, उन्होंने बात किया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, उसको कल से भेज देना। तो नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट कर दिया जाना, सीखा। डीजे रेव है, डीजे शान करके हाइड आउट में थे, उन्होंने मुझे सिखाया बीपीएम, EDM, सब बॉलीवुड, हाँ, सारा कुछ सिखाया उन्होंने। फिर धीरे धीरे करते करते जब मैं सीख गई, क्रिसेंडो, अपना तिरपुड़े कॉलेज है क्रिसेंडो, वहाँ पर वॉर ऑफ डीजे था, वहाँ मैं अकेली लड़की थी, बट सबको ऐसा था कि न्यू है तो नहीं हो पाएगा, इससे नहीं कर पाएगा, नहीं होंगे इसके बीपीएम मैच। फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही थी मैं, इतनी सारी पब्लिक स्टेज पर फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस था मेरा, तो नर्वस भी थी एंड कॉन्फिडेंट भी थी कि पूरे लड़कों में मैं अकेली लड़की हूँ। कर लिया, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में मेरा परफॉर्मेंस था, कर लिया एंड मुझे, हाँ, और पूजा वो लड़की जो वो सीजन जीती भी थी। यस यस, और ये पहली लड़की थी मेरे ख्याल से जो क्रिसेंट में जीती अचीवमेंट वही था। तब से मैं थोड़ा फेम में आई कि कोई डीजे पूजा भी आई है नागपुर में, और कि इतना 42 कुछ डीजेस थे मेल और मैं अकेली थी। कितना समय लगा ये सारा सीखने को, और डीजेइंग के पहले भी म्यूजिक सुनती थी और म्यूजिक का उतना सेंस था? यस यस यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा था। तो कितना टाइम लगा है सीखने के लिए? और सीखने के लिए एक साल लगा है, पूरा बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए, एक साल से कम ही बोल सकते हैं। बट जर्नी स्टार्ट करने के लिए भी, सब सीखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप हाउ यू परफॉर्म वो भी इम्पॉर्टेंट है, कि आप कितना नेम फेम में आ रहे हो, पब्लिक को आपका अच्छा लग रहा है, म्यूजिक गुड टेस्ट। ये सवाल पूछना चाहता था, तो तुम्हारा फेवरेट जॉनर कौन सा? हाउस बजाना पसंद है, EDM बजाना पसंद है, बॉलीवुड? क्या वजह है कि बॉलीवुड बजाना पसंद है तुमको? यू नो,
कितना भी बहुत यो होगा, बट जब दो पैक जाता है ना तो सबको देसी ही गाना चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियंस. अगर बाहर के कंट्रीज़ के हमारे आते वो उनका ही जॉनर प्ले करते, तो मेरा भी ऐसा है कि हम अदर कंट्रीज़ जाए तो हम हमारा ही जॉनर प्ले करें. बॉलीवुड तो हमारा जॉनर है ना. और मैं थोड़े बाद में बताऊंगा कि डीजे जो है वो इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा आखिरी में बात करेंगे. ये पूछना चाहता था मैं, सबसे पहली बार कमर्शियल पार्टी कहाँ प्ले करी, जिसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, सीखने के तो पहले पैसे देने पड़ेंगे. तो पहली पार्टी कौन सी थी, पहला गाना कौन सा था, कौन सा सेट बजाया था पहली बार जब प्ले किया था तब? हाइड आउट में मैंने प्ले किया था, मेरा फर्स्ट, वहीं से सीखा था. ऑब्वियो है मैं वहीं पर फर्स्ट परफॉर्म करूँगी. 14th February वैलेंटाइन को मैंने प्ले किया था 2018 में, वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था. उसके मुझे पैसे भी मिले थे. और मेरा ऐसा है कि मैंने आज तक ऐसा कोई इवेंट प्ले नहीं किया है जहां मुझे पैसे नहीं मिले हो. इफ़ मुझे मेरे काम पर कॉन्फिडेंस है तो मैं फ्री में प्ले भी नहीं करना चाहती. और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि फ्री में, मतलब अपना टैलेंट है, इफ़ यू आर टैलेंटेड देन पैसे, बिना पैसे का नहीं करो. जैसे कि तुमने शुरुआत में ही बताया पूजा की घर वाले जो थे वो रेडी नहीं थे, क्योंकि सेफ नहीं समझते. कन्विंस कैसे किया घर वालों को? और फिर तो रोज क्लब जाना पड़ता हुआ, हम लोग तो सैटरडे या वीकेंड्स जाते, तुमको तो रोज क्लब में जाना है. फिर घर वाले कैसे राजी हुए? राजी तो नहीं थे, बट यू नो आई एम मुजोर काइंड ऑफ कि नहीं करना, जिद्दी हूँ, करना है तो करना ही है, जाना ही है, जब तक नहीं होगा करना ही है. फिर जैसे जैसे नेम में मिला, फेम मिला, हो गया. क्या बात है. और धीरे 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 फिर काम जो है बढ़ता है. पूजा के बारे में बताऊंगा, बहुत ही कम समय में पूजा ने अपना नाम किया. और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ नागपुर में ही प्ले नहीं करती, ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी जो है पूजा प्ले कर आई है. अलग अलग इंसिडेंट होते होंगे उसके बारे में पूछूंगा मैं, लेकिन शादी भी प्ले करती होगी, संगीत भी प्ले करती होगी, कॉकटेल्स भी प्ले करती होगी, क्लब्स में सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ प्ले करने में आता है और ऐसा लगता है यार ये सही जगह है कि यहाँ ही प्ले करो, बाकी और कुछ मज़ा नहीं? क्लब में. क्यों ऐसा? ऐसा है कि वहाँ आप जो भी प्ले करो आप अपने हिसाब से प्ले कर रहे हैं. वेडिंग्स में ऐसा तो है कि वहाँ ओरिजिनल म्यूज़िक प्ले करना होता है, एंड उनकी जो रिक्वेस्ट होती है वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, उनके हिसाब से प्ले करना पड़ता है, उनके टाइम वाइज चलना पड़ता है. वहाँ हम आके बैठ जाते हैं कि हाँ अभी पार्टी शुरू होगी, अभी पार्टी शुरू, दूल्हा दुल्हन का वेट करना होता है, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो यही पूछना चाहता हूँ, तो फिर कैसे कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं भैया ये बजा दो? बहुत एक्सट्रीम लेवल वाले की, मतलब कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी बोल देते हैं वो कि जो आपने कभी सुना ही नहीं हो. तो ऐसा कभी हुआ कि ऐसा बहुत ही अजीबोगरीब गाना में तुम सोच रही ये गाना तो था कि नहीं था कभी? हाँ, बहुत बार. जैसे आप सैटरडे नाइट, इवन क्लब में भी ऐसा होता है कि आप सैटरडे नाइट प्ले कर रहे हो, आप एकदम जो ट्रैक ट्रेंडिंग वाले हैं वो आप प्ले कर रहे हो, और एकदम से कोई आ गया कि भैया भोजपुरी बजा दो. मैंने व्हाट द फक, भोजपुरी कहाँ से लाऊं मैं, बोले सॉरी. तो ऐसा भी ये होता है कि जहाँ पर अनयूजुअल रिक्वेस्ट जो है आ जाती है. परफॉर्म तुमने कहाँ कहाँ किया थोड़ा वो भी बता दो, ताकि हमारे जो दर्शक तुम्हें देख रहे हैं तो पूजा ने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया? मैंने ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म कर लिया है. इंडिया के बाहर अफ्रीका में जाकर आ गई हूँ, अफ्रीका में प्ले किया, एंड होली मेरा लास्ट ईयर दुबई में था, कन्फर्म हो गया था, बट कोरोना तुम्हारा दुबई कैंसिल कर दिया. अफ्रीका में क्या वजह है फिर? बॉलीवुड ऑफ कोर्स. कई सारे डीजेज होंगे जिन्हें तुमने पहले देखा होगा, सुना होगा, तो फेवरेट डीजे कौन है तुम्हारा और किससे क्या सीखी तुम? फेवरेट डीजे मेरी डीजे रिंक है, जिस एनर्जी से वो प्ले करती है एंड जो वो प्ले करती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड मेल में डीजे हर्ष भुटानी है, उनका भी एनर्जी एंड म्यूजिक बहुत पसंद है, तो मैं दोनों से इंस्पिरेशन लेती हूँ और दोनों को फॉलो करती हूँ. कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहोगी, किसी पार्टी में गई हो या किसी क्लब में तुम प्ले करे और बड़ा वियर्ड सा एक्सपीरियंस आया हो? हाँ, वो तो बहुत एवरी पार्टी में वो सारा चीज़ तो होते रहता है. जैसे लड़कियों के लिए होता है कि हर कोई एक अलग नज़र से देखता है, लड़की है, पी के रहता है तो थोड़ा तो ऐसा होता है. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है पूजा से हम करने वाले हैं. तो पूजा, जब तुम्हारे हाथ में कंसोल आता है, इतना सारा क्राउड दिखता है, तो क्या आता है दिमाग में सबसे पहले जब कंसोल पे आती हो, पब्लिक दिखती है, ऑडियंस, कैसा लगता है, फील कैसा होता है अंदर से? फील तो बहुत अच्छा होता है जब हम एंटर करते हैं विद बाउंसर्स, एक सेलिब्रिटी वाला फील आता है,
बहुत अच्छा लगता है कि सारा क्राउड, और ऐसा है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ताकि कोई भी ऐसा लगता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं माइक से पहले हम लोग थोड़ा चेयर अप करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे लोग खुश होना चाहिए, किसी को ये नहीं कि ये क्या बजा रही है, हमें हमारा तो प्ले करना ही है, बेस्ट अपना देना ही है, प्लस हमें उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो तो 5 और 10 मिनट्स हार्डली 10 मिनट्स में पता चल जाता है कि उनका टेस्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू उनका टेस्ट हम वैसा प्ले करते हैं। पहले जो लोग बोलते होंगे कि यार मत करो डीजेइंग मत करो, हाँ। फिर पूजा को नेम फेम मिला, फिर वो लोग क्या कहते हैं पूजा को? बहुत ऐसे मतलब लाइक मेरे खुद के कजिन्स भी ऐसे थे कि वो तो ऐसी ही है, वो तो रात भर घूमती है, उसके तो लड़के सारे दोस्त है, ऐसा वैसा, और आज वो लोग ऐसे बोलते दी यू आर माई इंस्पिरेशन, आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, हमको भी आपकी जैसी लाइफ चाहिए, हमको भी आपके जैसा बनना है। तो बहुत चेंज, पहले ऐसा होता था कि हाँ बस उठी और चल दी घूमने, बस दिन भर सोती है रात को घूमने जाती है पार्टी करने जाती है, और अभी ऐसा कि सैटरडे भी घर पर रहे तो सब लोग आके पूछते हैं अरे आज सैटरडे है डीजे घर पे कैसा है, गया गई नहीं कहीं, ऐसा हो जाता है। वो बहुत मतलब चेंज, जो ऐसे मतलब गाली नहीं बोल सकते, जैसे बोलते थे कि ये तो ऐसे ही है क्या होगा, वो आज जब नेम फेम मिला तो ऑल ऑफ सडन उनका पूरा टोन चेंज हो गया। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ये सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे कि किसी भी आर्टिस्ट जो लाइफ होती है वो बेसिकली मेरे ख्याल से शाम से ही शुरू होती है, yes। और लेट नाइट चलती है, तो फिर बाकी दिन का शेड्यूल कैसे मैनेज करते हो फिर? पहले तो घर पर ही रहती थी मैं, अभी तो हम लोग ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरा बाकी टाइम उसमें रहता था। बाकी टाइम ऐसा है कि म्यूजिक का प्रैक्टिस कर लिया, डाउनलोड कर लिए ट्रैक्स, खुद का काम खुद कर लिया, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे, म्यूजिक सुनते रहे नया नया, वो होता था। क्लास जाती थी मैं मेरे फ्रेंड के ताकि अपना प्रैक्टिस होते रहे। अभी मेरा शॉप है तो मैं वहाँ मेरा टाइम चला जाता है। ये सवाल पूछना चाहता था कि अकेले जाते हो कि साथ में कोई रहता है हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हारी लॉजी पकड़ने के लिए, बैग पकड़ने के लिए, इस पूरा अकेले ही ट्रैवल करते हो? यस, अकेले। फिर कभी डर वर नहीं लगता यार अपन ऐसे पार्टी में जा रहे हैं जहाँ सब पी के और अपन खुद अकेले होश में बिना पिए बिना, तो फिर वो तब कैसे लगता है? पहले थोड़ा स्टार्टिंग में डर लगता था कि कैसे कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे या नहीं, बट अभी इतना मतलब जाकर आ गए, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब कहीं पर भी अकेले भेज दो चले जाएंगे, अब डर नहीं लगता। बहुत सारी लड़कियां होगी, बहुत सारे लड़के भी होंगे जिनको ऐसे उनके माँ बाप शायद कहते होंगे कि बेटा तुम ये मत करो वो मत करो, या फिर बहुत सारी लड़कियां जो तुम्हें देखकर भी इंस्पायर हुई होगी कि जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, तो उन लोगों से तुम क्या कहोगी? यही कि माँ बाप जो बोल रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, बिकॉज वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमसे बेटर जानते हैं हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट वो रहता है ना हमारा भी एक माइंड गोल रहता है, सेट रहता है माइंड कि ये करना है वो करना है, कुछ तो अलग करना है, तो मेरा है कि फोकस से करो, अगर सच में करना है ना तो उतना ज़िद्द आप में होना चाहिए कि बस करना ही है, जब तक आपका वो गोल अचीव नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तब तक उसके पीछे लगे रहो, जिस दिन अचीव कर लिया उस दिन लगेगा कि हाँ कर लिया। ये सवाल पूछना चाहूँगा कि डीजे पूजा को तो सभी जानते हैं, लेकिन पूजा ने एकेडमिक्स में क्या किया बहुत कम लोगों को पता, पूजा ने पढ़ाई क्या की है? वैसे तो बेसिकली मैंने सिर्फ 12th तक पढ़ाई की है,
बट आज पहले ऐसे सब बोलते थे कि बस 12th तक पढ़िए, लाइक मेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो बोलते थे कि ठीक है सुंदर दिखती, अगर अच्छी पढ़ाई कर ली होती, ग्रेजुएशन कर ली होती तो अच्छा लड़का मिल जाता। बट आज जो इंजीनियर डॉक्टर मेरे कजिन्स लोग हैं वो लोगों से ज़्यादा आज मैं अर्न कर लेती हूँ मंथली। एक इवेंट में ही मैं उतना अर्न कर लेती हूँ जितना वो लोग मंथली कमाते हैं। तो आज वो लोग देख के बोलते कि नहीं कुछ अलग भी करना चाहिए, ठीक है किया तो अब कुछ नहीं बोलते। ओह लड़का तो मिल ही जाएगा पूजा को जल्दी। पूजा गुड न्यूज भी देगी हमको। पूजा नागपुर में प्ले करती हूँ, अदर सिटीज भी जाती हूँ। सबसे अच्छी नागपुर में नहीं प्ले करती। नहीं नागपुर छोड़ के? यस। हाइड आउट भी नहीं बजाते अभी? नहीं हाइड आउट तो बंद हो गया अभी। ओके। बट नागपुर में ऐसा है कि उतना नाइट लाइफ नहीं है और लोकल आर्टिस्ट की उतनी वैल्यू नहीं करते उस सिटी में। बोलते कि यहाँ 5-10 हज़ार में प्ले कर लो, और अदर सिटीज़ में अच्छा रिस्पांस भी देते हैं, वैल्यू भी देते हैं, तो इसलिए नागपुर में नहीं। तो इस सवाल को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते, तो कई सारी सिटीज़ में तुम प्ले कर रहे हैं, तो बेस्ट सिटी कौन से लगी, बेस्ट क्राउड कौन सा लगा जब इतनी सारी जगह तुम प्ले करने जाती हो तब? सबसे अच्छा क्राउड पुणे में है क्योंकि वहाँ यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है, और बैंगलोर में बहुत अच्छा क्राउड है, हैदराबाद में भी बहुत अच्छा है, कोलकाता में भी बहुत, मतलब नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, मुंबई तो सबको पता ही है। क्लब्स भी कई सारे गई होगी तुम, अलग अलग डेस्क भी तुमने देखी, तो सबसे अच्छे क्लब्स और डेस्क फिर पुणे के थे कि मुंबई के थे या हैदराबाद के? फिर मैं बोलूँ गोवा के। गोवा में भी बहुत अच्छी पार्टी होती है। और लॉकडाउन में पूजा गोवा जाकर आई है ना पूजा? यस। लॉकडाउन में भी परफॉर्म करके आई। सबसे खास बात तो जब कोई पार्टी नहीं कर रहा था पूजा प्ले कर रही थी। बड़ा मुश्किल होता होगा कई बार, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं खुद के लिए? हम जब प्ले करने जाते तब खुद क्या क्या चीजें ध्यान में रखती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिमाग में रहता ही होगा। यस, जैसे इवेंट आपका फाइनल हो गया, सबसे पहले माइंड में ये रहता कि आपका म्यूजिक अपडेटेड है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आपका म्यूजिक अपडेटेड होना चाहिए। देन आप भी ऐसा है कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि ड्रेसिंग पर ध्यान देना पड़ता है, आप कैसे दिखते हो कंसोल पे, आप कॉन्फिडेंस अच्छा लगना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। होमवर्क के लिए क्या करती हो फिर पार्टी जाने से पहले, क्या क्या चीज़ें? म्यूज़िक अपडेट करती हूँ, पहले देख लेती हूँ म्यूज़िक कौन सा मेरे पास नहीं है, कौन सा मैंने डाउनलोड नहीं किया है, कौन सा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि म्यूज़िक अपडेटेड है या। तो फिर प्लेयर होता है अपने पास कि लैपटॉप होता है? अगर प्लेयर पर बजाती हो तो फेवरेट प्लेयर कौन सा है, किस प्लेयर पर बजाने में बहुत मज़ा आता है फिर? पायनियर। पायनियर पे? यस। वैसे तो मैं लैपटॉप से प्ले नहीं करती हूँ क्योंकि लैपटॉप से ऐसा है कि आपको सिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर मेहनत ही कुछ नहीं है तो उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं पेन ड्राइव से ही प्ले करती हूँ। तुम बजाती हो तो लोग तो इन्जॉय करते हैं, रिएक्शंस कैसे मिलते हैं पार्टी के बाद? कुछ वियर्ड रिएक्शन, कुछ अच्छे रिएक्शन और फनी रिएक्शंस भी बताओ। यस, ऐसा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप खुद ही आपका म्यूज़िक इन्जॉय कर रहे हो, तो आगे वाला डेफिनेटली वो इन्जॉय करेगा ही करेगा। ऐसा है कि आप इंजॉय कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, तो आपको देख के आगे वालों की एनर्जी और बढ़ जाती है, तो वो लोगों का रिस्पांस और ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे एक बात बताओ, तुम तो लोगों को डांस करवाती हो, मतलब जब तुम प्ले करते रहे हो तो लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा डीजे जब वो बजाता है तो तुम्हें डांस करने में मज़ा आता है? मैं हर्ष पठानी, इज माई फेवरेट डीजे, सो मैं उसकी पार्टी अटेंड करना पसंद करती हूँ। बाकी तो ठीक है, सब नॉर्मल है। मेरा ऐसा है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ मैं खुद में ही इंजॉय कर लेती हूँ, और मुझे किसी अल्कोहल की भी नीड नहीं लगती, मतलब मुझे देख के आगे वाला बिलीव नहीं करता कि इसने कुछ ड्रिंक नहीं किया है, बट ये तो सच है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। हाँ, और हमारी पूजा इंस्टाग्राम पे भी बड़ी एक्टिव है, उसके पार्टी के पोस्ट वोस्ट आप देख सकते हैं, पूजा क्या कर रही है कैसे कर रही है। यस, मज़ा तो बहुत आता होगा, एक सेलिब्रिटी वाली जो है वो फील जो है वो तुमको आती होगी, कैरी करना और मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता होगा क्योंकि नाइट लाइफ है, फिर कैसे बैलेंस कर लेती हो घर, फिर वर्कआउट करती हो नहीं करती हो, डाइट वाइट फिर कैसे? डाइट नहीं करती हूँ मैं, आई एम वेरी फूडी, मैं कुछ डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे अलग अलग जगह जाके अलग अलग फूड ट्राई करना, इवन मैं इवेंट्स में भी जाती हूँ तो मैं वहाँ बस गई आराम, रेस्ट वेस्ट करना पसंद नहीं करती। जो भी मैनेजर है मैं उनको कॉल करती कि नया सिटी है मुझे घुमा कर लाओ, मैं जाती हूँ, मैं एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नया फूड, न्यू सिटीज़,
नया नया चीज़ें, इवन जो न्यू लैंग्वेज होती है वो भी मुझे सीखना बहुत पसंद है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ बॉलीवुड ही सुनती हूँ, मतलब पर्सनली बजाने के लिए नहीं, मतलब कि और भी म्यूजिक में लैंग्वेज पंजाबी। मैं ये सवाल पूछना चाहता कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो डीजे बनना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है कि सिर्फ किसी और को देख के कि स्टेज पे परफॉर्म कर रहे या अच्छा नाच रहा है या अच्छा इन्जॉय कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं भी डीजे बन जाता हूँ, तो कितना मुश्किल होता है, क्या क्या तैयारी जो है वो करनी पड़ती है, क्या क्या ज़्यादा मुश्किल और कितना डिफिकल्ट है? वही है, पहले सबसे पहले कि बस देख लिया और माइंड में, बहुत आजकल का बच्चे ऐसे ही होते हैं कि बस देख लिया और मुझे भी ऐसा बनना है, बट उन्होंने जो मेहनत की है वो उसके पीछे का जो बस जो स्टेज पे दिख रहा है कि बहुत सब क्राउड चेयर अप कर रहा है, बहुत एकदम इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, एंड जो डीजे है वो भी इंजॉय कर रहा है, तो आगे वाला बच्चे लोग ऐसे सोच लेते कि मुझे भी ऐसा बनना है, बट उसके पीछे का जो हार्डवर्क और जो जर्नी है, स्लीपलेस नाइट्स है, वो किसी को नहीं दिखता। तो ऐसा है कि अकेडमी ज्वाइन करो आप सबसे पहले, बहुत अच्छी वाली, कंटिन्यूसली म्यूज़िक सुनते रहो, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देन उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस प्लेयर को क्या कहते हैं, BPM क्या होता है, बीट मैचिंग क्या होता है, अपडेटेड म्यूज़िक, ट्रेंडिंग म्यूज़िक, और ऐसा नहीं है कि हर इवेंट में सेम म्यूज़िक प्ले होता है, प्राइवेट पार्टीज़ में अलग म्यूज़िक प्ले होता है, वेडिंग्स में अलग म्यूज़िक प्ले होता है, इवन जो रेडियो जॉकी में भी DJ एक होता है, वहाँ पे भी एक अलग म्यूज़िक प्ले होता है, और क्लब्स में भी ऐसा है कि हर क्लब में सेम म्यूज़िक नहीं प्ले होता है, कहीं टेक्नो प्ले होता है, कहीं ओनली हिप हॉप प्ले होता है, कहीं बॉलीवुड ही चाहिए ओनली, तो सबका आपको नॉलेज होना चाहिए। नागपुर में कितने लोग हैं सिखाने वाले, नागपुर में कितनी अकेडमीज है डीजे की, है कि नहीं है? है, बहुत सारी है, जैसा मेरा एक फ्रेंड है संकेत, उसका अकेडमी है मिक्स मैच करके, और डीजे मॉन्ट्स को तो सब जानते हैं, उनकी स्क्रैच अकेडमी है, और एक दो ऐसी और अकेडमीज है। नागपुर में उतना यंगस्टर्स नहीं है और उतना नाइट लाइफ और क्लब्स नहीं है, इसलिए नागपुर में उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है। तो शो के अंतिम पड़ाव में गिने चुने एक दो सवाल जो है वो पूजा से हम पूछेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, कई बार ज़िंदगी में एक मुकाम होता है जो हमें हासिल करना होता है, तुम्हें किस ऊंचाई तक अभी पहुँचना है? इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर लिया, नागपुर में तुम प्ले करना चाहती नहीं, नागपुर के बाहर तुम प्ले करती हो, और कई सारी अचीवमेंट्स तुम्हारी है, तो अब और क्या बचा है कि क्या करना बाकी है अभी? है, और टॉप 10 में आना है। तो अभी कहाँ हो फिर? टॉप 100 में बोल सकते हैं या उसमें भी नहीं है? नागपुर में ठीक है, नोन हूँ अभी, वेल नोन हूँ, सब लोग जानते हैं कि हाँ DJ पूजा है, बट ऑल ओवर इंडिया सबको पता रहना चाहिए, किसी ने DJ पूजा बोला तो कि हाँ आई नो हर बोलना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, फीमेल्स में भी क्रेज़ बढ़ गया है, एंकर लोग भी DJ बन रही है, मॉडल्स भी DJ बन रही है, तो कंपटीशन, और अभी ऐसा है कि सिर्फ लुक पर जाते हैं, म्यूजिक भले हाँ कुछ भी हो, सिर्फ लुक पर जाते हैं कि हाँ इसका एकदम सेक्सी हॉट फोटो है और कंसोल पर बहुत सुंदर सी नारी दिख रही है, तो हमें वो DJ चाहिए, और CD लगा देती, पेन ड्राइव लगा देती है, नॉन स्टॉप म्यूजिक चला रहे हैं, बस हाथ हिला रहे हैं, हो गया, चल रहा है। क्या बात है। तो ये तो थी DJ पूजा, जो एक बहुत ही अलग क्षेत्र में जो है काम करती है, और आशा करते हैं कि कई सारे लोगों को प्रेरणा मिली होगी, और DJ पूजा की शुरुआत जो है घर से, मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी नोकझोंक करके हुई है, माँ बाप को मनाना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी आज पूजा ने जो है एक बहुत अच्छी जगह जो है वो हासिल कर ली है। तो पूजा, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए हमारे VKB परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये तो थी पूजा, जिससे हमने ढेर सारी बातें करी देसी कलाकार इस प्रोग्राम में, और कोई ना कोई मेहमान जो है हमारे साथ इस शो में होगा। तब तक के आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ध्यान रखिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News।